ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारे, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आरजू है मेरी मैं भी सहारा बन जाऊं, आफताब न सही सितारा ही बन जाऊं, मुझे फरिश्ता बनने का कोई शौक नहीं, बस मैं इस सागर का एक किनारा बन जाऊं। तप कर जो सोना कुंदन ना बन सके, उससे गहने का तसव्वुर बेमानी है। कामयाबी और नाकामी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन नाकामी पीछे छोड़ते हुए जो इंसान कामयाब होता है, उस कामयाबी का जायका कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। शुरू से नीना गोयल की पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड काफी खराब रहा, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे क्या हुए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत लगन व जिंदगी में कुछ बेहतर करने की तमन्ना नीना को एक कामयाब शख्सियत के रूप में पहचान दे गई। बचपन में सीख और खुद के रिजल्ट से घर वालों के रिएक्शन से दो चार रही नीना मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की प्लानिंग करती चली गई। आज नीना न सिर्फ अपने ख्वाबों को परवाज दे रही है, बल्कि स्लम बस्तियों के बच्चों की रोल मॉडल भी है। सिफर से कामयाबी का सफर कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नाजरीन आदाब, मैं नदीम आप सभी का खैर मकदम करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने माशरे के लिए कोई काम किया हो या फिर एक नज़ीर पेश की हो, एक बड़ा मकाम हासिल किया हो। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनका नाम है नीना गोयल। आप एक सोशल वर्कर हैं लेकिन कई सारी फील्ड्स में काम किया है। आपको सोशल वर्क के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि प्रेसिडेंट अवार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, इंडियन आइकन अवार्ड्स और भी तमाम अवार्ड्स, और कई बड़ी हस्तियों से आपने मुलाकात की है, जैसे कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सुब्रमण्यम स्वामी, योगी जी और भी बहुत लंबी लिस्ट है, और उन सब ने आपके काम की तारीफ की है। आज हमारे साथ नीना जी मौजूद हैं शो पर। नीना जी आपका खैर मकदम। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, उसके बाद कैसे ख्याल आया कि सोशल वर्क करना है या लोगों के लिए कुछ करना है? और सोशल वर्क करना इतना आसान होता नहीं है, तो कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी चीज़ें उतनी क्लैरिटीज़ में आती जाती हैं। शुरुआत मैंने होटल इंडस्ट्री से की, आई वॉज़ वर्किंग विद हायत एजेंसी, वहाँ पर बड़ा अच्छी एक्सपीरियंस करते हुए 7 साल मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पैर रखा, जॉनसन एंड जॉनसन, लाइफ लाइन, सेंटिनल, ये सब सूचेस कंपनी थी। और उसके बाद फिर एक जज्बा जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र कोई सीमा नहीं है, अपना डिप्लोमा मैंने GNIIT उसमें लिया, सॉफ्टवेयर IT प्रोफेशनल बन के आई। सब कुछ करने के बाद जो एक मन में चाह होती है, एक हौसला, बुलंदी, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा, बार बार बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे फील्ड में काम करने के बाद ये लगा कुछ तो कुछ ऐसा कर जो दूसरों के लिए हो। ये सब जो मैंने किया, हासिल किया, ये हमारे अपनी शख्सियत को पहचान थी मेरी। लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई अप्रिसिएशन हमें मिलते हैं, तो ज़िंदगी का वहाँ पर सफल होना हमें नज़र आता है कि जो हमने जन्म लिया है, जिस चीज़ों के लिए हम लोग बने हैं, जो काम इस दुनिया में करने आए हैं, सब कुछ अपने लिए नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आखिरी पड़ाव में ज़िंदगी है, हम लोग कुछ ऐसा करें जो दूसरे के लिए। नीना जी, मुझे मालूम है कि आप ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप
हमारे नाज़रीन को बताएं, क्या बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, गरीब औरतों के लिए किस तरह से काम कर रही हैं? मुश्किलें तो मैं ये कहूँ कि सबसे पहला चैलेंज मैं अपने आप से लेती हूँ। मुश्किलों का तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि चैलेंज ये है सामने वाले को हमें तब्दील करना है, एजुकेशन देनी है, और एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट बेसिकली। अगर हम देखें कि जो इंसान हमें, ठीक है, विरासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं घर से कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या समाज के लिए होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमें ओवरऑल नॉलेज देता है, उसकी अवेयरनेस डालना लोगों में, ये मेरा सबसे बड़ा काम है। उसके चलते मैंने देखा जाए अगर बेगर क्लास को, यहाँ से मेरी जो बिगनिंग होती है, बेगर क्लास में सबसे पहले मेरी वर्किंग रही, पूरा महीने का एक सर्वे था जहाँ मैं 150 बच्चों के पेरेंट्स को मिली, एंड उन्होंने फिर बोला खाने के लिए तो रोटी नहीं है, पढ़ेंगे कैसे। उनमें से सिर्फ 18 बच्चों के साथ कामयाबी मुझे मिली, और उन बच्चों को लेके आई, उनको सफाई सुथराई सी। एजुकेशन इज़ नॉट बेसिकली द बीए और एमए या कुछ, ये डिग्रियों की अगर मैं बात ना करूँ, पहल हमारी होती है कि शिक्षा क्या चीज़ है। शिक्षा का पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बीए एमए और हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज, जो भी हम लोग डॉक्टरेट्स भी ले लें, बट हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि करना कैसे है, चीज़ें कैसे होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लगता है। तो उन पेरेंट्स का यही एक शिकायत थी, कहते खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चे जाते हैं 100, 150, 200 कमा के लेके आते हैं, हमें कोई देता नहीं है। तो ऐसे ही चलते में फिर उन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जितनी मुझसे बन पाई मदद होना, उनको मैंने राज़ी किया। फिर एक जगह पर लेके मैं, तब मेरे पास कोई स्कूल की ऐसे कोई जगह नहीं थी, उन बच्चों को लेके बस बताती थी कि किस तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छा बना सकती हैं, क्योंकि बस हम अगर उनको किताबें पकड़ा देते, हम अपने बच्चों को पकड़ा देते, वो भाग जाते। तो मुझे लगता है शिक्षा के लिए एक चाव का क्रिएट करना हमारा अहम काम होना चाहिए। नीना जी, आज आप अपने स्कूल में तकरीबन कितने बच्चों को पढ़ा रही हैं? बेसिकली मेरे पास जो स्कूल मैंने अपना पहले बिल्कुल प्ले वे स्टार्ट किया था, उसमें झुग्गियों से आते थे, तो मेरे पास शुरू में 2 बच्चे आए, महीना भर मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे, 2 को देखते 3-4। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो स्कूल मैंने बनाया था वो एक फ्लैट में तो था, लेकिन पूरी चीज़ें वैसी थी जैसे एक मदर्स फ्लैट का होता है। वहाँ की ही इस्लाम की टीचर्स को लेके आई, पहले टीचर्स को सिखाया, मतलब देवर जस्ट 10th क्लास पास, 12वीं किए हुए लड़कियाँ थी, उनको पहले उस प्रोफेशन में डाला, उनको एक सैलरी देके उनको बताया, उनकी ट्रेनिंग, कहने के लिए हम टीचर ट्रेनिंग एक साइड में हमारी चलती है जब तक कोई बीएड ना कर ले, वो उन टीचर्स को मैंने रेडी किया। रेडी करने के बाद वो जो बच्चे थे बिल्कुल वही जैसे मदर्स प्राइड का है कि ठीक है एप्पल्स रख दिए, एंड सारा दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, टेक दिस एक्सेल, हम बच्चों को जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। फिर चाहे वो स्लम से आए, बड़ी जगह से आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे, 2 से 10 बने, 10 से 20 बने, और 20 से बनते बनते, क्योंकि स्कूल अगर अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, पढ़ाई हो, कोई ऐसा लालच मुझे कमाने का नहीं है, तो फिर वो मेरा एक स्कूल बनते ही चला। अच्छा, आपने उन बच्चों को स्कूल तक आने के लिए कैसे राज़ी किया जिनके माँ बाप ये बोलते थे कि अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो कमा कर कौन लाएगा? देखिए, जितना राज़ी करना ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी को, मेरे लिए वो तो चलो मेरी किस्मत अच्छी थी कि 18 बच्चे आ गए, उन पेरेंट्स के पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनकी मदद किया कि आप 12 दिन बच्चों को सिर्फ भेज के देखे, आप भेजेंगे नहीं तो आपको कैसे। जब आपने इस नेक काम की शुरुआत करी, जब आपने माशरे के लिए काम करना शुरू किया, तो आपके रिश्तेदारों का, आपके करीबी लोगों का रिएक्शन क्या था? बिफोर मैरिज मेरी लाइफ रही, मेरी मदर बहुत हौसलों से भरी थी, ऑल्दो शी वॉज नॉट एजुकेटेड, उस टाइम के लोग 8वीं 9वीं तक करके ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो जो जज्बा है एक बहुत अच्छा, जो आज मैं काम कर रही हूँ, आज मैंने पूरा अपनी मदर को अपने अंदर उतारा है। कुछ लोग ऐसे थे खानदान में या एनवायरनमेंट में जिनको लगता था बंद करो ये दुकान, जब हम कुछ नहीं करते हैं या बनते हैं तो उनको लगता है ये दुकानें हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज वही लोग आके कहते हैं बहुत अच्छा लगता है जब नीना जी को देखते हैं कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बन के जा रहे हैं, कई लोगों के उसमें प्रोग्राम में हैं, और मतलब अच्छा लगता है। तो एप्रिसिएशंस के लिए तो मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, मुझे सुकून मिलता है, और वहाँ कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग बदले, उन्होंने भी फिर कहा कि अब हम भी एनजीओ खोलेंगे। ये मेरे लिए दूसरा बहुत अच्छा चैलेंज है ज़िंदगी में, बिकॉज जब हम अपने आप को चेंज करते हैं और हमारी वजह से कोई दूसरा बदलता है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो मैं चाहती थी वो हुआ।
हाँ तो नीना जी, आपने कहा कि होता है कई लोग रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, कई लोग आपको खींचने की कोशिश करते हैं नीचे, आपके साथ भी हुआ, लेकिन आज तो कई बड़े लोगों ने, कई बड़ी बड़ी शख्सियतों ने आपको सराहा है, अप्रिशिएट किया है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल वो था जब अमिताभ बच्चन जी, जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उन्होंने मेरे काम को सराहाया। उन्होंने कहा देवी जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी चल के आप ऐसे ही काम करते रहिए। तो मैंने, मेरी उनसे जब बात हुई, मैंने कहा नेक्स्ट हॉट सीट पर मैं आपके साथ जो है ना ज़रूर दिखूंगी, मुझे अभी उस काबिल बनना है। दूसरी चीज़, अक्षय कुमार जी, अपार शक्ति जी, ऐसे बहुत सारे शख्सियतों से मैं मिली, सोनू सूद जी, इन सब के उसमें मेरा काम बहुत सराहनीय रहा मेरी चीज़ों का। एंड इसके चलते मैं आपको अपना एक बड़ा अच्छी बात बताना चाहूँगी कि अजीत जी, जो मोना डार्लिंग सारा देश मुझे लायन के नाम से जानता है, हमारे बहुत अच्छे वेटरन एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो देखा जाए मैं उनको भी अप्रोच करती चीज़ों के लिए, लेकिन जो उनके छोटे बेटे हैं अरबाज़ अली ख़ान, उन्होंने जब मेरे कार्य को देखा, और वो क्योंकि खुद बहुत गरीबों के लिए दिल रखते हैं, बहुत अच्छा उनका भी सोशल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा आपको हमेशा मेरा सपोर्ट बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। उसके चलते हम लोग आगे चल के जो छोटी छोटी YouTube मूवीज़ होंगी, जो गरीब बच्चों पे होंगी, जो बच्चों के सपने वहाँ पर रह गए हैं, तो वो वहाँ पर मेरे जो है ना पूरे उनके साथ जो है ना उनके उसमें चल के हम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आके कहते हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, तो लगता है कि सच में अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि इस काम के चलते देखा जाए मुझे बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड से भी, आई एम प्रेसिडेंट अवार्ड होल्डर ऑल्सो, एंड मुझे इंडियन आइकन अवार्ड एज अ सोशल एक्टिविस्ट का मिल चुका है। आज ही मुझे ग्लोबल स्कूल एजुकेशन का बहुत अच्छा है, उसका भी आज ही मुझे मॉर्निंग में ही जो है ना मेरा नॉमिनेशन के बाद दे हैव जस्ट फिक्स्ड दिस थिंग के जो है ना आपको बुलाएंगे, एंड उसका भी। और ऐसे लाइफ में मैंने अभी तक 36 अवार्ड्स लिए इन टोटल, उनमें से कुछ तो चलिए सोशल, उसमें तो मैं अभी पिछले 4 साल से आई हूँ, लेकिन मेरी कार्यकारिणी ने मुझे आज पहुँचा दिया वहीं पर जहाँ मैं चाहती थी। अगर आपको आज बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ गए, मतलब वो शेर मुझे याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। लेकिन खुद को चलने के लिए भी एक एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है ना, एक प्रेरणा चाहिए होती है, वो कौन सी चीज़ है? शुरू में जो आपने शुरू किया वो तो आपने बताया, आज कौन सी चीज़ जो आपको आगे लेकर जाती है? देखिए जब हम कोई अच्छे कार्य की बात करते हैं, आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ मुझे, हम अकेले तो चले थे, कारवां जुड़ता गया। देखा जाए आज मेरी इस तरक्की के उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि समूह है तभी मैं हूँ, मैं अकेली कहीं नहीं हूँ, ये मैं हम है, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, और आज जो इस दुनिया में नहीं है मेरे मम्मी पापा, उनकी प्रेरणा जो है ना मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल उनकी जैसी हूँ, जैसा वो चाहते थे कि वैसे बन जाए, तो आज मैं बिल्कुल उनकी। नीना जी, एम क्या है आपका? आप जिस रास्ते पर चल रही हैं कहाँ तक जाना चाहती हैं, और अपनी जो संस्था है आपकी उसे किस मुकाम पर आप देखती हैं? क्या मकसद क्या है, मतलब कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं आप? छोटी सी आशा। आशा क्या है? एक ऑफनेज और एक वृद्धाश्रम, दोनों एक ही जगह में, बीच में एक स्कूल, बच्चों को माता पिता मिल गए, माता पिता को बच्चे मिल गए, और बीच में मैं, मेरा स्कूल, बस यहीं तक। जिस दिन यहाँ तक आ जाऊँगी उस दिन अपने आप को खुद रोक लूँगी, क्योंकि लगेगा सब कुछ मिल गया, इसके आगे नहीं जाऊँगी, वहीं पर आके स्टेबल हो जाऊँगी, फिर वहीं पर चलते चलते ज़िंदगी भी वहीं। बहुत खूबसूरत ख्वाब, ऑफनेज, वृद्धाश्रम, एक स्कूल, क्या बात है, मतलब इसके लिए तो सामने मेरा छोटा सा कमरा, मेरा घर, सो दैट आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग, उनकी खुशी से मैं खुश हूँ। बहुत बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत ख्याल हैं आपके, लेकिन आप एक बात बताइए, जो ख्वाब आपने देखा है, क्या आपको लगता है कि उसकी ताबीर अब आपके मुताबिक हो रही है? क्या आप उसी रास्ते पर हैं? लगता है कि एक दिन वो मंजिल पा लेंगे आप? जी बिल्कुल 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 ही पाऊंगी, इसलिए जो ख्वाब कभी देखा ही नहीं था फिर भी मुझे मिला, मेरे जज्बातों की वजह से, मेरे हौसलों की वजह से, एक नेक नियति की वजह से, जब कुछ नहीं देखा था तो आज मालिक ने इतने अच्छे उस पर पहुँचा दिया, तो अब तो मुझे लगता है मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ नियति के साथ खुदा हमेशा चलता है, तो
वहाँ पर जरूर पहुंचूंगी, ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नीना जी, आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो इस दौर में ये सवाल बहुत वाजिब हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि कोरोना के वक्त में, इस वबा के दौर में आपने किस तरह से मैनेज किया, कैसे बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपने क्या किया? देखा जाए, ये लॉकडाउन हमें नहीं पता था कि ये इतना एक्सटेंड हो जाएगा और ये बीमारियाँ, हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। देखा जाए, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इस ऑनलाइन के चलते हर बच्चे के पास एक फ़ोन होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का ही फ़ोन छिन गया है बच्चों के पास, जो कि नॉर्मल पेरेंट्स नॉर्मल हमारे उसमें हैं, जिन घरों में खाने के लिए दाने ही नहीं हैं। आपको लगता है कि उनसे मैं ऑनलाइन वेबिनार्स और इस तरीके से, हाँ मैंने मदद किया है, जो और दूसरी मदद हो सकती है वो उसके चलते हमारी ये कोशिश रही है। और हफ्ते में एक बार मैं उनके पेरेंट्स को स्पेशली मिलने भी जाती हूँ और बात भी करती हूँ, और जो हमसे बन पड़ता है, और सिलेबस कोर्स भी हम बता देते हैं कि ये है, घर में पढ़ो, घर में रहो। नीना जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, एवरेज से भी नीचे रहे, कई बार फेल भी हुए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई वक्त आया जब आपने सोचा कि नहीं यार, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या फिर कभी बहुत ज़्यादा लो आपने फील किया हो, डिप्रेशन में गए हों? और आजकल तो ऐसे हालात हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में, मार्क्स को बच्चे के लाइफ के साथ जोड़ा जाता है सीधा, अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसको फेलियर माना जाता है। लेकिन उल्टा आपको हम देखते हैं, आज आप एक जानी मानी शख्सियत हैं, आपका एक माशरे में मकाम है और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। ये जो आपने मुझे बताया कि मैं एकेडमिक्स में, वाकई मैं अच्छी नहीं थी, एक बार नहीं ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं फेल हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। सी, जो बात आपने अभी बोला डिप्रेशन, डिसकरेजमेंट, मेरी ज़िंदगी में इसकी कभी से, बचपन से भी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। फेल हुई, हालात ऐसे थे फेल होने के, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। देखा जाए कि प्री बोर्ड्स थे, टेंथ की बात मैं आपको बताऊंगी, प्री बोर्ड्स में आई स्कोर 33 में से 3 मार्क्स आए मेरे, एंड स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी। कुछ नहीं फर्क पड़ता, अरे जो हो गया वो हो गया, क्या करे, जब आते ही नहीं है तो ज़िंदगी उतनी थोड़ी रुक जाती है। एंड मार्क्स इज ऑलवेज द बाई चांस, ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों के भी वही मार्क्स आ जाए। मार्क्स से तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चों की नॉलेज को इवेल्यूएट करना नहीं चाहिए। मेरे इसके चलते हुए, बिकॉज एबसेंट भी बहुत रहती थी क्योंकि स्कूल जाने का शौक ही नहीं था, बट कहते ना बच्चा शौक से पढ़े या खौफ से पढ़े, मुझे खौफ से पढ़ाया गया। मेरी मदर ने मुझे जो भी मारना पीटना, उस टाइम पे टीचर्स का भी अलाउड था, पेरेंट्स का भी अलाउड था, तो डंडे तो पड़े बहुत मुझे, तो उसके चलते मुझे बैठाया नहीं जा रहा था बोर्ड में। एंड मम्मा गई, इंचार्ज को बोला कि भाई आप क्यों नहीं बैठने दे रही हैं, उसको चांस तो लेने दीजिए। इंचार्ज मैम पहले से बड़ी खफा थी, उनको ये था कि ये तो भाई अच्छी बच्ची नहीं है, क्योंकि मैं शैतान तो बहुत थी, बदतमीज़ नहीं थी बट शैतान थी, तो शैतानी के चलते हुए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे मार्क्स के आ रहे हैं और मम्मा क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं। ये तो सबसे अच्छा चांस था कि जब मैं स्कूल से हमेशा से बाय कर सकती थी, लेकिन मम्मी की जद्दोजहद रही नहीं। मम्मी ने बोला जाके प्रिंसिपल मैम को, इंचार्ज मैम को, कि जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं आप उनकी गारंटी लेती हैं कि वो सभी पास हो जाएंगे। तो इसके चलते हुए जब बहुत रिक्वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, एंड दे अलाउड मी टू सिट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आई स्कोर 76%। पूरे स्कूल में ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट द डिस्टिंक्शन, वो भी आप देख सकते हैं कि जो बच्चा 33 से 3 पर आ रहा है वो पूरे स्कूल में बोर्ड्स का जब आता है तो आई वॉज वन ऑफ देम। एंड उसका भी वाई आई स्कोर दैट मार्क्स, क्योंकि कहते हैं ना गुरु बहुत बड़ी चीज़ होता है, मुझे ये रियलाइजेशन ज़िंदगी के अब पता चल रहा है। बिकॉज जब मैं फेल हुई, मेरी मैम थी आर्या मैम, कुलाचियन सर मॉन्ट स्कूल से मैंने पास आउट किया, उन्होंने कहा तुम बच्ची तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा दिमाग है, इसको कहाँ पर अपनी एनर्जीज को गलत चीज़ों पर क्यों लगाती हो, क्यों इतनी शैतानी करती हो। बस मेरे कहने से ना बहुत अच्छा सिर्फ पढ़ लो, पास हो जाओ। बस कहते ना किसी ना किसी की बात ज़िंदगी में घर कर जाती है, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होता है। ये जब मैं पास हुई, और वो जो मुझे कहते ना जब हम हारते रहते हैं, फेलियर्स को फेस करते हैं और फिर भी हमें नहीं पता होता कि हमने ज़िंदगी की क्या गलती की है, लेकिन जब जीत का सहरा आता है तो उसका मज़ा बड़ा अच्छा होता है। वहाँ से एक अलग सी इंस्पिरेशन हुआ। इंग्लिश मेरी आज भी वीक है, मेरी तब भी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो उसके चलते फिर इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। फिर उस मैम के पास गई, लॉरेंस रोड में रहती थी, कि मैम जो भी हो आपकी वजह से, आई गॉट द एडमिशन इन
इंग्लिश ऑनर्स ना। उसके बाद बस फिर चलते गए चलते गए, ये लगा कि भाई बहुत हुई शैतानियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। हम लोग जो आज टीचर्स का कुछ स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या कुछ भी हम बोल देते हैं, पर मैं अनजाने में भी गुरु को कभी भी कुछ भी कोई गलत ख्याल अपने टीचर्स के लिए या क्या, आज जो भी हूँ देखा जाए उनकी वही देन में मुझे लेके आई और वही चीज़ मुझे एजुकेशन के लिए प्रेरित किया कि कुछ भी है, कितना हम डाउनफॉल में आ जाएं, सारी चीज़ें हैं डिप्रेशन में आ जाएं, पर जब हम खुद खड़े होना चाहते हैं ना तो हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो वो इंस्पिरेशंस थी, उसके चलते फिर लगा कि एजुकेशन जिस जैसे मुझे मेरी टीचर ने समझाया था, आज मैं दुनिया को समझा रही हूँ। तो चलता है, मतलब अच्छा था, अच्छा फेल भी, फेल होती तो पता चल, उसी के कारण जो है ना जहाँ हूँ तो उसी, बिना फेलियर को जाने में तो सक्सेस का मज़ा ही नहीं ना। तो आई अप्रिशिएट माई फेलियर्स, मुझे कोई गम नहीं है, मैं ज़िंदगी में फेल होके आई, आगे बढ़ी, बार बार गिरी, टॉप पे आने के बाद फिर भी गिरी, हार्डली मैटर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। वाकई बहुत कमाल की बात कही कि अगर फेल भी हुए हैं ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं है ना, गिर कर संभलने वाले को ही शायद खिलाड़ी कहते हैं, है ना। तो बहुत कमाल का आपका एक्सपीरियंस लाइफ का रहा और वो जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक आखिरी सवाल अब आपसे ये कि हमारा शो लड़कियों पर बेस्ड है, हम लड़कियों की बात करते हैं, खातून की बात करते हैं, तो उन लड़कियों को जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से, घर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, पैसों की वजह से, कोई भी मुश्किल हो, कुछ कर नहीं पा रही हैं या फिर खुद कहीं ना कहीं कम फील करती हैं अपने आप को, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस इंसान को खुदा ने इतना अच्छा बनाया हुआ है, हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा एजुकेशन देके उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। तो लड़कियों के लिए मेरा एक बहुत अच्छा संदेश है कि प्लीज़ जो बच्चियाँ अपने घर से निकल के कुछ बनना चाहती हैं, कुछ देखना चाहती हैं, दुनिया के बारे में समझना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स प्लीज़ उनको ना रोकें। बिकॉज़ कई बार ये होता है कि हमें लगता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको रोक देंगे या पेरेंट्स डरते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना देना चाहिए और पता नहीं क्या हो, आज समाज भी ऐसा है, तो ये समाज कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, हम ही घर चला रहे हैं, हम बाहर का भी बदलेंगे। तो उन पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि किसी भी लड़की को कभी भी डिस्करेज ना करें। अगर एक इंसान समाज में ऐसा है कि जो उसको गंदी नज़र से देखता है, तो मैं कहती हूँ 10 और हैं जो उसको अच्छी और बहन बेटी की नज़र से देखते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि क्या चुनना है। तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों को रोकना चाहिए, अगर लड़कियां रुक गईं तो मुझे लगता है समाज, देश, परिवार सब कुछ रुक जाएगा। जो बात आपने पूछी इसको मैं एक शेर के ज़रिए पूरा करना चाहूँगी। तो ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, तो ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, गर स्वर्ग मिले कहीं तो तारे ला जमीन पर। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है, बीइंग अ वुमन, मैं समझती हूँ कि मैं ये मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहती हूँ जिनके घर में बेटियाँ हैं, बहुत डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज में लड़कियाँ महफूज नहीं हैं, कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये मैसेज स्पेशली उन पेरेंट्स को है पहले, क्योंकि जो वो चाहेंगे वही तो उनकी बच्चियों के साथ होगा। तो ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, अगर एक इंसान की दृष्टिकोण डिफरेंट है तो वहाँ पर 10 उसको बचाने वाले भी हैं। एंड कहते हैं विमेन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अ गॉड। जिस चीज़ को ऊपर वाले ने, चीज़ तो नहीं कहूँगी, जिस इंसान को ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया है, मुझे नहीं लगता कि उसकी हमें कहीं पर उसको रोक के उसकी एजुकेशन सिस्टम्स को हम बंद कर दें या लड़कियों को बाहर ना निकलना दें, क्योंकि आज की नारी ही घर भी चला रही है, परिवार भी चला रही है और देश भी चला रही है। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। नीना जी, बहुत कमाल की बात कही कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो रास्ते अपने आप दिखते चले जाते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, ख़राब लोग भी मिलते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ ख़राब लोगों से भरी हुई नहीं है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हुए भी हैं। जब नदी निकलती है ना तो उसे समंदर का रास्ता नहीं मालूम होता, लेकिन वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेती है। तो अगर कोई ख्वाब आपने देखा है तो मेहनत आपको करनी है, कोशिश कीजिए, उसकी ताबीर आप अपने हाथों से लिखें। और नीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को हमारा सलाम। और हम दुआ करेंगे कि जिस मकसद पर आप निकले हैं वो बहुत कमाल है
और उस मकसद में आपको कामयाबी हासिल हो। और जो आप काम कर रही हैं, मतलब कहते हैं कि एक एक औरत जब पढ़ती है तो जनरेशंस पढ़ती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उससे भी एक कदम आगे हैं। अपनी फैमिली को तो आप पढ़ा ही रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा ही रही हैं, आप ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रही हैं जिनके लिए आप एक शायद सहारा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। जितनी भी लड़कियां हमें देख रही हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी सपना आपने देखा है उसके लिए काम आज से शुरू कर दें। परेशानी किसी भी तरह की हो सकता है कि आपके वालिदैन राज़ी ना हो, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत हो, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, आप कोशिश कीजिए, सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, हल ज़रूर निकलेगा। और आने वाला वक्त लड़कियों का है, आपका है। एक शेर यहाँ पढ़ना चाहूँगा जो कि मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त सैयद नज़्म इकबाल ने लिखा है। तब कर जो लोहा फौलाद ना बन सके, उस पर मेहनत बेईमानी है, मशक्क़त बेईमानी है। मेरी जहानत को कमतर आंकने वालों, अपने वजूद में देख मौजूद मेरी हर निशानी।